राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चुके हैं मेरे ख्याल से तो यहाँ पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी की जो अगुवाई में ये रैली हो रही है। इस समय इस टाइम यहाँ पर हेलीकॉप्टर जो पहुंच चुके हैं और मंत्रियों का आना लाजमी जारी है। आप देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पर काफी मात्रा में भीड़ यहाँ पर पहुंची हुई है, लगातार कंटिन्यू यहाँ पर आदमी पहुंच रहे हैं। पर अंदर की जो स्थिति है, जो भी हमने ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग करी है वहाँ पर जाकर के देखा, काफी मात्रा में वहाँ पर जो है कुर्सियाँ खाली है, काफी मात्रा में अभी जो है कि लोगों को जो हजूम उमड़ा है वो धीरे धीरे यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुका है। अधिक मात्रा में यहाँ पर जनसंख्या पहुँचने की जो उम्मीद है और वो पहुँच रही है। कहीं ना कहीं हेलीकॉप्टर को उतारने के लिए जो दिशा निर्देश होते हैं वो दे दिए गए हैं और देख सकते हैं आप, कैमरामैन को चाहूँगा दिखाना चाहेंगे। अब से कुछ ही देर में यहाँ पर जो है कि माननीय गृह मंत्री जी यहाँ पर पहुँचेंगे और जो है लोगों के सामने अपने विचारों को रखेंगे। और जो आस्था रैली का जो रखा गया है इसी विषय में आज की जो रैली रखी गई है इस विषय में आज इन भाइयों से पूछना चाहेंगे। हाँ भाई, कहाँ से आए हो? छोड़ो बोले बोले, हम जिन से आए जी। और ये हेलीकॉप्टर जो आ चुके हैं यहाँ पर, बहुत ही जल्दी यहाँ पर जो रेल स्थल पर अमित शाह जी पहुँचने वाले हैं। हेलो भाई, भाई कहाँ से आए हो? ये बात डर सी रहे हो ना भाई? गणेड रहे हो ना भाई? रैली में तो आ रहे हो गे? हाँ रैली में। यहाँ पर डर क्यों रहे हो बताओ, कहाँ से आए हो? कौन यादमपुर हल्का काली राउंड। किसके साथ आए हो, किस भाई के साथ आए, किसके पक्ष में आ रहे हो? किसके पक्ष में? पक्ष पार्टी के पक्ष में। पार्टी के पक्ष में? अच्छा, तो क्या लगता है आपको रैली एक नंबर की हो? रैली एक नंबर की? भीतर तो खाली पड़ी सारी कुर्सी ना, देखेंगे जाके खाली पड़ी को ना। मैं देखा यार, मैं बताऊँ जनता पीछा लग रही है। इतनी लेट क्यों आ रही है? टाइम तो कुछ और दिया था, टाइम के अकॉर्डिंग तो नहीं चल रही जनता। हम तो नहीं सोचा, रास्ता में रुक के थे अमित शाह जी, मैं एक बजे करीब बनाओगे जो चलेंगे आराम से। देख सकते हैं किस प्रकार हेलीकॉप्टर यहाँ पर आ चुका है जी और उतर चुका है। कुछ ही देर में यहाँ पर जो है कि सब पहुँच जाएंगे यहाँ पर। भारत के गृह मंत्री इस समय जिंद की पावन धरा पर पहुँच चुके हैं और अमित शाह जी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अब से कुछ ही देर में यहाँ पर जो है अमित शाह जी अपने स्टेज पर जाकर के जो है जनसमूह को संबोधित करेंगे, इस रैली को संबोधित करेंगे। और ये दिखाना चाहूँगा किस प्रकार एक सुरक्षा में से कुत्ते ने लगा दी है और वो पुलिस कर्मियों के बीच से भाग करके आगे चला गया है। काफी गर्मी है और गर्मी के अंदर जो लोगों का जुनून जो है सर चढ़ करके बोल रहा है, जो आप देख सकते हैं कि आज बीजेपी के झंडों के साथ तिरंगा झंडा भी लगाया गया है, जो ज्यादातर मैंने कहीं देखा नहीं, ऐसे पार्टी के झंडे लगते हैं और आज तिरंगे झंडों को भी लगाया गया है क्योंकि ये देश के सम्मान में जो रैली रखी गई है 370 खत्म करने के बाद जो रैली रखी गई है, कहीं ना कहीं उसको बढ़ावा देने के लिए, देश के प्रति जो इनकी आस्था है, जो जुनून है उसको प्रकट करने के लिए काफी मात्रा में गर्मी हो चुकी है। Thank you.